गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एसएस क्रिएशंस खजाना ऑफ ट्रेंड्स में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी, बहुत ही यमी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग बाहर से लाने में खतरा हो सकता है, इसलिए मैं घर पे ही आज थोड़े ही सामान से, दो या तीन सामान से ही बनाने जा रही हूँ बहुत टेस्टी चॉकलेटी केक, जो आप घर पे ही बना सकते हैं बिना अवन के। जिनके घर में अवन की प्रॉब्लम है और वो केक बनाना चाह रहे हैं तो वो ऐसे बना सकते हैं केक को। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये बिस्कुट का पैकेट ले रही हूँ। ये लगभग मैंने 5 बिस्कुट के पैकेट लिए हैं। आपके पास ये वाला बिस्कुट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कोई भी चॉकलेट के बिस्कुट ले सकते हैं, ओरियो हो गया या कोई और भी। इसके अलावा ये मैंने लिया है यहाँ पे, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा बेकिंग पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है। तो जब हम बेकिंग पाउडर डालेंगे तो वो मैं दिखाऊंगी कितना डालेंगे। उसके बाद ये हमने दूध लिया है, अभी मैंने 1 कटोरी दूध लिया है रूम टेम्परेचर पर। थोड़ा सा मैंने घी लिया है, अगर आपके पास घी नहीं है तो, अगर आपके पास बटर अवेलेबल है, सर तेल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बस रिफाइंड है तो मैं वो डालूँगी। और अगर मीठा कम लगा तो मैं यहाँ पे मैंने ली है चीनी। अभी चीनी का अंदाज़ा मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये मीठे के अनुसार चीनी डलेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये मिक्सी जार लेंगे। ये मैंने बिस्कुट के पैकेट एक प्लेट में निकाल लिए सारे बिस्किट, सब मैं क्या करूँगी। अगर आपके पास बड़ा जार है तो आप इकट्ठा डाल सकते हैं, अब हमारे पास छोटा जार है तो हम पहले थोड़े बिस्कुट डाल के पीसेंगे। देखिए मैं थोड़े से बिस्कुट डाल रही हूँ, थोड़े से बिस्कुट डाल के अब हम इसे थोड़ा सा एक बार पीस लेंगे, चला लेंगे मिक्सी को। बिल्कुल इसका एक चूरा बनाना है आपको, एक बिल्कुल ग्राइंड कर देना है जब तक कि ये बिल्कुल चूरा ना बन जाए। देखिए दोस्तों, ये देखिए चूरा बन रहा है, हम इसमें एक बार फिर से चला लेंगे इसे। इसके बाद हम इसमें और बिस्कुट ऐड कर लेंगे। अगर इसमें जगह नहीं बचती है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये चूरा निकाल के तब भी आप इसमें कर सकते हैं, ऐसे मत करो। इसमें हम और बिस्कुट भी डाल लेंगे अब, क्योंकि अब देखिए मिक्सी में जगह हो गई है, अब हम ये बिस्कुट भी इसमें डाल लेंगे। अब हम एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल इसका चूरा बन गया है। ये देखिए मैं ऐसे चम्मच से चला के दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल ही चूरा बन गया है। तो जब ये ऐसे बिल्कुल पिस जाए उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें हम दो बड़े चम्मच घी के डालेंगे। अगर आपके पास मक्खन हो आप मक्खन का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास बटर हो आप बटर, मतलब मक्खन बटर का यूज़ कर सकते हैं या तेल का यूज़ कर सकते हैं। हाँ मेरे पास रिफाइंड है तो मैं रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ। दो बड़े चम्मच डालने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच, ये हमारे पास चम्मच छोटी है, एक चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर, और इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे लगभग मैंने 1 चम्मच के अराउंड डाल दिया है इसमें बेकिंग पाउडर। बस ये मैंने 1 चम्मच के अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे इसे अच्छी तरह मिला के, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध। ये दूध है मेरे पास 1 कटोरी, ये रूम टेम्परेचर पे दूध है, तो आप ये वाला दूध इसमें डालेंगे। पहले हम थोड़ा ही दूध डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा दूध डाल के हम इसे एक बार से फिर से ग्राइंड करेंगे। ये बैटर गाढ़ा हो जाना चाहिए, एक बार हम इसे चम्मच से चला के देखेंगे ये बैटर कैसा है।
थोड़ा और गाढ़ा बनेगा। देखिए इसमें अब जो ये बैटर है, ये बैटर मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है, तो इसमें मैंने ज़रा सा दूध डाला है। अब मैं दूध, मुझे मीठा भी थोड़ा कम लग रहा है, तो अपने टेस्ट के अनुसार आप चीनी डालेंगे। यहाँ पर हम 2 चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं, बस केवल 2 चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं, वैसे तो बहुत मीठा है। इसके बाद हम एक बार और फिर से इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अब हम इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। इसे आपको तब तक ग्राइंड करना जब तक चीनी इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। एक बार हम देख लेंगे चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है नहीं हो गई। अब देखिए आप खुद देख सकते हैं बैटर कितना स्मूथ और कितना रिबन जैसा बना है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा बैटर बनकर आया है। चाहें तो आप इसमें चोको पाउडर, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो डाल के आप चॉकलेट केक भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, हमने एक चायदानी ली है जो रेगुलर जिसमें चाय बनती है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें घी डाल के, अगर आपके पास कोई ब्रश हो तो ठीक है, वरना हमारे हाथ, मेरे हाथ धुले हुए हैं, तो मैं इस धुले हुए हाथों से क्या करूँगी, बिल्कुल इसे घी से बिल्कुल ग्रीस कर दूंगी, मतलब बिल्कुल भी जगह ना बचे, हर जगह मैं घी अच्छी तरह लगा दूंगी इसमें। ये मैंने यहाँ पे, मेरे पास रिफाइंड है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें बटर भी लगा सकते हैं। ये केवल इसलिए है ताकि ये जो केक हम बनाने जा रहे हैं ये चिपके ना, नहीं तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपने घी लगा लिया तो हम क्या करेंगे, ज़रा सा मैदा लेंगे और ज़रा से मैदे को इस पर छिड़केंगे और हम इसे भी पूरा स्प्रिंकल कर देंगे हर तरफ से, चारों तरफ से, कि ये बिल्कुल भी जगह ना बचे। ये देखिए देखिए, अब हमने इसे पूरा कर लिया है, पूरा मैदे से इसे कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारा बैटर था, ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने बैटर इसमें सारा डाल लिया है। बैटर डालने के बाद हम इसे हल्का सा टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने, देखिए ये मैंने तवा पहले से ही हाई फ्लेम पर रखा हुआ है, तो ये तवा पूरी तरह से हीट हो गया है। हीट होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम अपनी चायदानी को इस पर रख देंगे। रखने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो करने के बाद हम, हमारे पास ये जो बिल्कुल ढक्कन है इससे हम इसे ढक देंगे। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें कुछ भारी रख देंगे ताकि हम उसे हटाएं ना। देखिए दोस्तों, 40 मिनट हो चुके हैं लगभग, अब हम इसे हटाएंगे। अब हम इसे हटा के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये केक हमारा ऊपर को आ गया है, इसने धीरे धीरे हल्की सी साइड छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो तब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। ये दोस्तों, केक ठंडा हो चुका है, ये केक हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये केक, अगर मैं दबा के दिखाऊँ तो कितना स्पॉन्जी आप बना है। तो ऐसे ही आप इसके ऊपर कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, जेम्स लगा सकते हैं, जेम से डेकोरेशन कर सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं। तो ऐसे ही केक बनाने के लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।